ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन, जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्मे शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिरे अमलियात हैं। दुनिया भर के हज़ारों लोग उनसे अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके ज़िंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। अदा करते हैं, अब आइए इस माहौल को थोड़ी देर के लिए मर्दाना बना दिया जाए, इसलिए कि जिंदगी में अगर गम है तो साहित्य में भी गम है, अदब में भी गम है। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। जिंदगी के मसाइल को समेट कर शायरी बनाना, हकीकत को करीब से मुशाहिदा करके शेरो पैकर में ढाल देना, महाराष्ट्र के एक शायर जनाब असलम चिश्ती का कारनामा है, जो सारे हिंदुस्तान में बड़ी इज्जत और वकार के साथ मदऊ किए जाते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। जी दोस्तों, इतना बड़ा मजमा है, कोई वजीर मिनिस्टर आते जाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में फिर वही माहौल पैदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बगैर किसी तंगी के चार मिसरे हाजिर कर दिए। आज इस डाइस से अबू आसिम आजमी साहब ने वो तकरीर की जो अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलती, तो मैं चाहता हूं कि आपको छोटी छोटी तस्वीरें दिखाऊं और अपने वो मसाइल दिखाऊं जिसके हम अकार हैं। आज मैं चार मिसरे हाजिर कर जी दोस्तों। कि आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, आसान नहीं था शिर्क में पहम निकालना, गारे हिरा से दीन का मौसम निकालना, वाह 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 वाह, आसान नहीं था शिर्क शिर्क में पहम निकालना, गारे हिरा से दीन का मौसम निकालना, तू हम पे बम बनाने की ये तोहमतें न रख, तू हम पे बम बनाने की ये तोहमतें न रख, आता है हमको एड़ी से जमजम निकालना। वाह वाह, क्या कहने असलम का, वाह 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 वाह, इल्मी शायरी है भाई, वाह वाह वाह, तू बहुत अच्छे भाई। बम बनाने की ये तोहमतें न रख, तू हम पे बम बनाने की ये तोहमतें न रख, आता है हमको एड़ी से जमजम निकालना। आसिम भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं जी। महाराष्ट्र में सोची समझी एक बात के साथ पढ़े लिखे तबके को टारगेट किया गया। आइए यहाँ से चार मिसरे हाजिर करें भाई इनायत। कि जो इंजीनियर्स मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया, कि रस्सी का भी सांप बनाया जाता है, रस्सी का भी सांप
साफ बनाया जाता है, मासूमों को रोज सताया जाता है। वाह वाह वाह। रस्सी का भी सांप बनाया जाता है, बनाया जाता है, मासूमों को रोज सताया जाता है। और दहशतगर्दी चाहे कोई इंसान करे, हम पर ही इल्जाम लगाया जाता है। वाह 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 वाह। दहशतगर्दी चाहे कोई इंसान करे, हम पर ही इल्जाम लगाया जाता है। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ इनायत मोहतरम के, मुसलसल जुल्म सहने से मसाइल हल नहीं होंगे, मुसलसल जुल्म सहने से मसाइल हल नहीं होंगे, मुसलसल जुल्म सहने से मसाइल हल नहीं होंगे, तेरे खामोश रहने से मसाइल हल नहीं होंगे, मुसलसल जुल्म सहने से मसाइल हल नहीं होंगे, तेरे खामोश रहने से मसाइल हल नहीं होंगे। और समंदर की तरह तू फैल जा सारी दुनिया में, समंदर की तरह तू फैल जा सारी दुनिया में, के कतरा कतरा बहने से मसाइल हल नहीं होंगे। वाह वाह वाह। कतरा कतरा बहने से मसाइल हल नहीं होंगे। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ, नफरतें टोपियों से करता है, नफरतें टोपियों से करता है, प्यार बस कुर्सियों से करता है। वाह। नफरतें टोपियों से करता है, बस इशारों कर रहा हूँ मैं कि नफरतें टोपियों से करता है, प्यार बस कुर्सियों से करता है। और उसको इंसान पसंद ही कब है, उसको इंसान पसंद ही कब है, दोस्ती वहशियों से करता है। वाह वाह वाह। उसको इंसान पसंद ही कब है, दोस्ती वहशियों से करता है। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि तुमको इस बात से इनकार नहीं हो सकता, तुमको इस बात से इनकार नहीं हो सकता, एक न्यूज का जमाना है, कैसा माहौल बनाया गया, चार मिसरे यहीं से होते हैं। तुमको इस बात से इनकार नहीं हो सकता, वो तो जाहिद गुनहगार नहीं हो सकता। वाह। तुमको इस बात से इनकार नहीं हो सकता, वो तो जाहिद है, वो तो जाहिद है, गुनहगार नहीं हो सकता। आज गुलशन पे उसी की है इजारादारी, आज गुलशन पे उसी की है इजारादारी, खुश पत्तों का जो हकदार नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। आज गुलशन पे उसी की है इजारादारी, बड़े कीमती अशआर सुना रहे भाई। वाह वाह। गुलशन पे उसी की है इजारादारी, खुश पत्तों का जो हकदार नहीं हो सकता। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि कुछ लोग, बड़ा माहौल बनाया गया जी, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वाह। कुछ लोग बीज बोने लगे हैं फसाद का, कुछ लोग बीज बोने लगे हैं फसाद का, कौमियत जहदी का मुशारा और असलम चिश्ती के ये चार मिसरे। कुछ लोग बीज बोने लगे हैं फसाद का, यारो करो मुजाहिरा तुम इत्तेहाद का। वाह वाह। कुछ लोग बीज बोने लगे हैं फसाद का, यारो करो मुजाहिरा तुम इत्तेहाद का। और आपस में भाईचारे को देना है तकवियत, आपस में भाईचारे को देना है तकवियत, गुब्बारा फोड़ डालिए इस लफ जिहाद का। वाह 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 वाह। आपस में भाईचारे, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह। देना है तकवियत, आपस में भाईचारे को देना है तकवियत, गुब्बारा फोड़ डालिए इस लफ जिहाद का, गुब्बारा फोड़ डालिए इस लफ जिहाद का। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ पेड न्यूज का जमाना के, खबर जो मीडिया झूठी दिखाने पर उतर आए। वाह। खबर खबर वो मीडिया, खबर जो मीडिया झूठी झूठी दिखाने पर उतर आए, हमारी संस्कृति को मिटाने पर उतर आए। वाह वाह। खबर जो मीडिया झूठी दिखाने पर उतर आए, हमारी संस्कृति को मिटाने पर उतर आए, यकीनन मुल्क पस्ती की तरफ ही गामजन होगा, यकीनन मुल्क पस्ती की तरफ ही गामजन होगा, अगर जालिम हुकूमत को बनाने पर उतर आए। वाह वाह। यकीनन मुल्क
बस्ती की तरफ ही कामजन होगा अगर जालिम हुकूमत को बनाने पर उतर आए। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ। इनायत मोहतर, बेंगलोर की बहुत तारीफ सुनी, बस यहीं से चार मिसरे के वरक वरक पे लिखा है तुम्हारी बस्ती में। वाह, वरक वरक पे लिखा है तुम्हारी, मोहब्बतों की फजा है तुम्हारी तुम्हारी बस्ती में। वरक वरक पे लिखा है तुम्हारी बस्ती में, मोहब्बतों की फजा है तुम्हारी बस्ती में, और जमीन पर भी है मौजूद जन्नतुल फिरदौस, ये राज आके खुला है तुम्हारी बस्ती में। वाह वाह, जमीन पर भी है मौजूद जन्नतुल फिरदौस, जमीन पर भी है मौजूद जन्नतुल फिरदौस, ये राज आके खुला है तुम्हारी बस्ती में। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि अपने ख्वाबों की हसीन हीर से बातें की हैं, अपने ख्वाबों की हसीन हीर से बातें की हैं, उम्र भर एक ही तस्वीर से बातें की हैं। वाह, अपने ख्वाबों की हसीन हीर से बातें की हैं, उम्र भर एक ही तस्वीर से बातें की हैं, उसकी यादों का जब आतंक बड़ा है असलम, उसकी यादों का जब आतंक बड़ा है असलम, दिल के उजड़े हुए कश्मीर से बातें की हैं, उसकी यादों का जब आतंक बड़ा है असलम, दिल के उजड़े हुए कश्मीर से बातें की हैं। एक मतलब पुशेर उसके बाद अपनी जगह मतलब हाजिर करता हूँ कि ये कहानी जो अधूरी है मुकम्मल कर दे, ये कहानी जो अधूरी है मुकम्मल कर दे, अपने सीने से लगाकर मुझे पागल कर दे। वाह वाह, ये कहानी जो अधूरी है मुकम्मल कर दे, मुकम्मल कर दे, अपने सीने से लगाकर मुझे पागल कर दे। इसलिए हमने सियासत को ना अपनाया कभी, इसलिए हमने सियासत को ना अपनाया कभी, फितने शर जो उठे शहर को जंगल कर दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दोस्तों, ये थे जनाबे असलम चिश्ती साहब, जो तहत लफ्ज में बहुत कीमती अशार से नवाज रहे थे। एक एक शेर आप खामोशी से सुन रहे थे, आपके जहन में उनका शेर महफूज हो रहा था। अब इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने। हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया बज़्मे शाहीन बेंगलुरु ने। बज़्मे शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं, देश विदेश के हज़ारों लोग उनसे अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभाल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माप जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता।
मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुनहा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक़िद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो ये है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/mehfil.mushaira। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।